नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे बृहस्पति का कुंडली के 12 घरों में असर कैसा होता है। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, बृहस्पति का कुंडली के 12 घरों में असर कैसा होता है। दोस्तों ये जो असर है, ये जिसकी अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये असर लाल किताब के अनुसार बताया गया है। और दोस्तों लाल किताब में एक जो विशेष चीज़ है वो ये है, विशेष इसका एक नियम है कि कोई भी ग्रह किसी घर में शुभ फल भी देता है, अशुभ फल भी देता है, मतलब नेक असर भी देता है और मंदा असर भी देता है। ये ग्रह की पोजीशन, वो कंडीशंस देखी जाती है कि ग्रह कब शुभ असर दे रहा है, कब अशुभ असर दे रहा है। तो ऐसे दोस्तों जब बृहस्पति कुंडली के किसी भी घर में होगा तो वहाँ वो नेक असर भी दे सकता है और मंदा असर भी दे सकता है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बृहस्पति का जो असर है 12 घरों में वो कैसा होता है। अब हम इसमें चर्चा करेंगे नेक असर के बारे में भी और मंदे असर के बारे में भी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस, खाना नंबर एक। अब इसमें दोस्तों बृहस्पति है कुंडली में और नेक हालत में है। अब नेक हालत में है तो ऐसे में जो बृहस्पति का फल होगा, जो बृहस्पति का असर होगा, वो बताया गया है नामवर राजा, मतलब अच्छा असर, एक राजा की तरह वो व्यक्ति होगा। और अगर बृहस्पति मंदी हालत का है खाना नंबर एक में, तो इसमें बताया गया है दोस्तों फकीर बा कमाल, मतलब फकीर तो बहुत अच्छा होगा लेकिन निर्धन होगा। ऐसे ही खाना नंबर दो, इसमें बृहस्पति नेक हालत में है तो सबको तारने वाला जगत गुरु, और अगर मंदी हालत में है तो अपना ही खानदान तबाह करने वाला। खाना नंबर तीन थर्ड हाउस, इसमें बृहस्पति है और नेक हालत में है तो शेरों का नामी शिकारी, मतलब उस व्यक्ति का बहुत नाम होगा। और उसमें बहुत हिम्मत भी होगी, हौसला भी होगा। ऐसे ही अगर थर्ड हाउस में बृहस्पति और मंदी हालत का है तो असर होता है बुजदिल, मनहूस, मंदभाग, मतलब उसकी किस्मत खराब होती है और वो बुजदिल होता है। फोर्थ हाउस में दोस्तों बृहस्पति उच्च का होता है क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि होती है, तो इसमें बृहस्पति है और बृहस्पति नेक हालत का है तो इसका असर होगा राजा इंद्र और विक्रमादित्य की तरह। और अगर मंदी हालत का है फोर्थ हाउस में बृहस्पति तो अपनी ही बेड़ी डुबाने वाला मल्ला, ऐसा असर होगा, मतलब अपना काम खुद ही खराब करेगा। खाना नंबर पाँच फिफ्थ हाउस, इसमें बृहस्पति है और नेक हालत में है तो कैसा असर होगा। फिफ्थ हाउस दोस्तों संतान का भाव भी होता है तो इसमें जो असर बताया गया है वो ये है कि औलाद के जन्मदिन से बार रौनक,
मतलब जिस दिन से औलाद होगी उस दिन से रौनक ही रौनक होगी, खुशी खुशियाँ होंगी। और अगर फिफ्थ हाउस में बृहस्पति मंदी हालत का है तो क्या असर है? तो असर होगा दोस्तों, बच्चा पेट से ही मुर्दा पैदा होगा। अब खाना नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। खाना नंबर 6 सिक्स हाउस में बृहस्पति नेक हालत का है तो असर होगा दोस्तों, हर चीज़ बिना मांगे हाजिर, मतलब उस व्यक्ति को हर चीज़ बिना मांगे मिल जाएगी। और अगर मंदी हालत का है बृहस्पति खाना नंबर 6 में तो असर होगा दोस्तों, गरीबी और मंदी से सांस रुकता हो, मतलब वो गरीबी और मंदी से बहुत परेशान होगा। अब खाना नंबर 7 सेवंथ हाउस में बृहस्पति है और नेक हालत का है तो इसमें जो असर बताया गया है वो ये है कि धर्म काज का मुखिया, मतलब धर्म के काम करने वाला। और खाना नंबर 7 में बृहस्पति मंदी हालत का है तो इसमें लिखा है कि उसका जो गोद लिया हुआ बेटा है वो भी दुखी होगा। खाना नंबर 8 में बृहस्पति नेक हालत का है तो ऐसा व्यक्ति सोने की लंका दान करने वाला होगा, बहुत बड़ा दानी होगा। और खाना नंबर 8 में बृहस्पति मंदी हालत का है तो दौलत से भरे खजानों की राख का मालिक, मतलब उसके जीवन में राख मिलेगी, उसे दौलत उसको नसीब नहीं होगी। अब खाना नंबर नौ में अगर बृहस्पति नेक हालत का है तो उसमें लिखा है दोस्तों लाल किताब में, बुजुर्ग की नस्ल दमकता हुआ सोना, मतलब बहुत अच्छा असर होगा और बुजुर्गों के लिए भी अच्छा असर होगा। और अगर मंदी हालत का है खाना नंबर 9 में तो किस्मत में रेत के बराबर चमक का नतीजा, क्योंकि बृहस्पति किस्मत होता है दोस्तों, किस्मत होती है। अब किस्मत में रेत के बराबर चमक का नतीजा, मतलब उसकी किस्मत बहुत ही खराब होगी। अब खाना नंबर 10 में बृहस्पति नेक हालत का है तो इसके लिए लिखा है दोस्तों कि वो व्यक्ति जिस कदर टेढ़ा चलेगा उसकी मिट्टी सोना बनती जाएगी, मतलब वो अगर सीधे सीधे काम करेगा तो उसको कुछ हासिल नहीं होगा, जितना वो टेढ़े काम करेगा उतना उसको सब कुछ हासिल होगा। अब बृहस्पति 10वें घर में मंदी हालत का है तो ऐसे में निर्धन दुखिया होगा। अब खाना नंबर 11 में बृहस्पति नेक हालत का है तो इसका असर होगा दोस्तों, उस व्यक्ति को सांप भी सजदा करे, मतलब उसके आगे सांप भी झुकेगा। और अगर खाना नंबर 11 में बृहस्पति मंदी हालत का है तो कफन तक पराया होगा, मतलब बहुत बुरी हालत होगी उसकी। अब खाना नंबर 12 इसमें बृहस्पति है और नेक हालत का है तो ऐसे व्यक्ति के पास दरिया की तरह दौलत आवे, दरिया की तरह दौलत आएगी उसके पास। और अगर मंदी हालत का है बृहस्पति तो वो व्यक्ति राजधानी का मालिक होगा, लेकिन माया पर पेशाब की धार मारने वाला होगा, या उसको वो माया बरतने का मौका ही ना मिले। तो दोस्तों ये है बृहस्पति का कुंडली के 12 घरों में अलग अलग असर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।